Now next one, previous session मैंने just cover किए थे all interview questions regarding string classes. Next one इस session में just मैं discuss करूँगा interview programs और programs related to interview process based on string operations. String के केस में मैंने just आपको total 20 programs previous session में highlight किए थे और सारे के सारे programs इस session के और just coming session में सारे के सारे programs में discuss करूँगा सारे programs आपको explain. First one फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टू प्रिंट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग. सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल है देन आपको डिस्प्ले क्या कराना ऑल डुप्लीकेट कैरेक्टर्स. डुप्लीकेट कैरेक्टर मीन्स अगर किसी भी कैरेक्टर का ऑक्रेंस एक से ज्यादा बार अपीयर हुआ इस कैरेक्टर को कंसिडर करवाया जाए डुप्लीकेट्स देन डिस्प्ले कराएं गिवन कैरेक्टर विद देयर ऑक्रेंसेज. सेम एज दोनों ही प्रीमिसेस के जस्ट मैं आपको टू प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोनों के लॉजिक्स कैसे ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्टिंग सिंगल डिफरेंस. इस फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले कराना ओनली डुप्लीकेट और सेकंड केस में क्या डिस्प्ले कराना और ऑक्रेंसेस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स मीन दोनों केसेस में फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है ऑक्रेंसेस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स अवेलेबल इनसाइड स्ट्रिंग. लेकिन फर्स्ट केसेस में डिस्प्ले क्या कराना मीन फर्स्ट केस में केवल वही कैरेक्टर डिस्प्ले कराना जिसका ऑक्रेंस एक से ज्यादा बार अपीयर हुआ जबकि सेकंड केस में आपको सारे के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले कराना. तो इसलिए दोनों के अंदर कॉमन लॉजिक सीरीज हो रहा है इसलिए मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करके सिंगल प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूँ. फर्स्ट वन इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फिनिश करने के लिए सबसे पहले मीन्स आप सिंपली यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में सारे के सारे लॉजिक्स प्रोवाइड करूंगा. क्लियर. सबसे पहले मैं आपको लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा स्टेप वाइज. लॉजिक से फिनिश होने के बाद देन सेम एज इस पर्टिकुलर लॉजिक्स को कंप्लीट करने के लिए सिंपल जावा सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे. क्लियर. फर्स्ट वन लॉजिक्स. लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में वन मोर थिंग्स इसके इसमें जस्ट मैं यूज करूंगा सम रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड बाय जावा. इस जावा के अंदर रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन एपीआई. देन कलेक्शन एपीआई का मैप इंटरफेस और मैप इंटरफेस के यूटिलिटी या फंक्शनलिटी यूज करने वाला हूँ. अगर आपने अभी तक मीन्स कलेक्शन से रिलेटेड आपके पास कोई भी ऑपरेशन या कोई भी लॉजिक्स अवेलेबल नहीं है अभी तक आपने कलेक्शन को स्टडी नहीं किया देन हो सकता है इससे एग्जाम्पल्स में आपको कुछ बेसिक्स कन्फ्यूजन्स क्रिएट हों. इस केस में जस्ट आपको लॉजिक से कॉन्सेंट्रेट करना ना कि सोर्स कोड. क्लियर. क्योंकि जब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ो इन फ्यूचर्स देन आपके लिए इसके सोर्स कोड को भी इजीली समझना पॉसिबल हुआ. हो सकता है आपको सोर्स कोड समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट क्या करो लॉजिक्स. देन इन फ्यूचर कमिंग क्लासेज ऑन बोर्ड्स जब आप कलेक्शंस को कंप्लीट कर लोगे देन आपके लिए सेम प्रोग्राम ईजिली वे में अंडरस्टैंड करना पॉसिबल. फिर मैं इस केस में कलेक्शंस के रिगार्डिंग में बेसिक आइडिया प्रोवाइड करूँगा प्लस मैं जीरो लेवल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मीन्स आपके लिए कंप्लीटली समझना पॉसिबल होगा. फर्स्ट वन सबसे पहले मैं लॉजिक से डिस्कस करूंगा मीन्स स्टेप वाइज. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है स्ट्रिंग के केसेस में आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मीन्स सी लैंग्वेज में अगर बात करें सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग ऑपरेशन आपके लिए ईजिली परफॉर्म करना पॉसिबल था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडेक्सेस. मीन्स स्ट्रिंग के अंदर अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है इन सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स और एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट इंडेक्सेस का यूज करके आपके लिए डायरेक्टली मैनिपुलेट या चेंजेस करना पॉसिबल. लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में स्टोर होगा या ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. क्लियर. ऑब्जेक्ट्स के केसेस में आपके लिए कोई भी इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है लेकिन इस केस में इसे स्ट्रिंग क्या है ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा अगर आप ऑपरेशन सिंपल वे में कंप्लीट करना चाहते हो अगर आपके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो देन आपके लिए कोई भी ऑपरेशन या कोई भी चेंजेस या इंडेक्सेस का यूज करके परफॉर्म करना पॉसिबल हो तो इसे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जस्ट सबसे पहले मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किस फॉर्म करूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे इन द फॉर्म ऑफ एरे प्लस एरे किस टाइप का यूज करेंगे सिंपली कैरेक्टर एरे और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का स्ट्रिंग टाइप का मीन्स स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग क्लास ने सिंपली प्रीडिफाइंड मेथड प्रोवाइड किया सिंपली टू कैर एरे मेथड. मेथड किस क्लास में डिफाइन है इनसाइड स्ट्रिंग क्लास मीन्स स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए मीन्स आपके पास दोनों ही अप्रोच हैं. अगर आपके पास कैरेक्टर एरे अवेलेबल है और कैरेक्टर एरे के एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए अवेलेबल क्या है कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाई स्ट्रिंग क्लास. जस्ट मैंने स्ट्रिंग क्लासेस के कंस्ट्रक्टर डिस्कस किए थे और उसमें से कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट टाइप क्या था कैरेक्टर एरे. मीन्स कैरेक्टर एरे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का वर्किंग है कन्वर्टिंग दिस कैरेक्टर एरे इनटू इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. सिमिलरली अगर आपके पास एलिमेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल है
अगर इक्विवेलेंट कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है देन सिंपली कॉल क्या कर लेंगे, टू कैर एरे मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सबसे पहले इस प्रोसेस को फिनिश करने के लिए सिंपली मैं एज्यूम कर रहा हूं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू कैरेक्टर ए देन समथिंग डबल बी देन कैरेक्टर सी अगेन कैरेक्टर बी एंड कैरेक्टर ए। दिस इज द गिवन स्ट्रिंग, मीन्स इसके इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने, देयर आर सिक्स कैरेक्टर। जैसे ही मेथड कॉल होगा तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एलिमेंट कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ एरे और सिंपली कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे का इसके इसमें लेंथ क्या डिफाइन होगा एज अ सिक्स। फर्स्ट केस में ऐसा हो जाएगा ए बी बी सी बी ए। इसका पर्पज आपको समझ में आ रहा है, इसे इसे स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने का मेन पर्पज क्या है, एरे के केसेस में इसे एरे के एलिमेंट इंडेक्सेस के थ्रू मैनिपुलेट करना पॉसिबल है जस्ट बाय यूजिंग अपडेटिंग दीज एलिमेंट्स बाय यूजिंग बेस्ड ऑन इंडेक्स। क्लियर, इसे इंडेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए। नेक्स्ट वन, इसे एरे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मेथड कौन सा कॉल करेंगे, एरे का कोई रेफरेंस क्रिएट कर लोगे जा एरे ए इक्वल्स टू एस डॉट, मेथड कौन सा प्रोवाइड किया टू कैर एरे मेथड, टू कैर कैर का सी कैपिटल है कैर एरे मेथड। जस्ट मैं बाद में आपको कंप्लीट सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा। क्लियर, अगर अभी कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है सोर्स कोड में इसको रिकवर कर लेंगे। फर्स्ट वन, टू कैर एरे मेथड के अकॉर्डिंग सिंपली एक रेफरेंस वैल्यू क्रिएट होगा ए दैट वन, इसे ए के थ्रू ए एरे पॉइंट होगा। क्लियर, नेक्स्ट थिंग्स सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स जो एलिमेंट्स आपके पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल थे सेम एलिमेंट्स कॉपी किस फॉर्म में हो चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे। अब देन अगर आपके पास मीन्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर एरे के लिए ऑपरेशन से अप्लाई करना पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग क्या रहेगा, जस्ट आप टू सेपरेट एरे क्रिएट करोगे, इस सेपरेट एरे के केस मीन्स दिस इज द फर्स्ट एरे, फर्स्ट एरे के अंदर स्टोर क्या कराएंगे जस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देन सेकेंड एक और एरे क्रिएट करेंगे, सेकेंड एरे में मैं जस्ट स्टोर कराऊंगा नंबर ऑफ मीन्स ऑकरेंसेस मीन्स कैरेक्टर एंड करेस्पॉन्डिंग ऑकरेंस। फॉर एग्जाम्पल मीन्स इस केस में फाइनल जब लॉजिक्स कंप्यूट हो रहे हैं इस एरे का स्ट्रक्चर क्या रहा है, मीन्स टोटल कितने एरे हो रहे हैं आपको इस केस में टू एरे, फर्स्ट एरे में स्टोर क्या कराएंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर्स कितने ए बी एंड सी। तो फर्स्ट केस में क्या स्टोर होगा ए बी सी, यानी करेस्पॉन्डिंग मीन्स दिस द फर्स्ट एरे, फर्स्ट एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने थ्री, सेकेंड एरे में क्या स्टोर कराएंगे करेस्पॉन्डिंग इसे ए का इक्विवेलेंट ऑकरेंस, ए का ऑकरेंस कितना आ रहा है वन एंड टू, बी का ऑकरेंस क्या है इसके इसमें थ्री, सी का ऑकरेंस क्या है ओनली वन, लाइक दैट दिस इज द फाइनल रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग गिवन ऑपरेशन। मीन सब स्ट्राइक के मीन सबसे पहले एरे क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी सेपरेट एरे क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जावा ने आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलरेडी प्रीडिफाइंड इंटरफेस प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन एपीआई, प्लस इस इंटरफेस का नेम क्या है मैप, और वी कैन से इट्स ए चाइल्ड क्लास है हैश मैप। मीन्स फाइनली इसके इसमें आपको क्रिएट क्या करना है सिंपली मैप टाइप का ऑब्जेक्ट। मीन्स नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है क्रिएट मीन्स स्टेप वन, स्टेप वन क्या है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इक्विवेलेंट कैरेक्टर। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कंस्ट्रक्टिंग मैप, मीन्स इनिशियली जब ये मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैप के अंदर कोई एंट्री अवेलेबल है क्या, नहीं। मीन्स मैप इनिशियली कैसा है कंप्लीटली एम्प्टी, लेकिन इस मैप के अंदर टोटल टू कॉलम्स एरे और टू एरे क्रिएट होंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, या लॉजिकली कंसीडर करोगे या टू कॉलम्स, देन फर्स्ट केस में इसको कंसीडर करेंगे या की प्लस सेकेंड केस में कंसीडर करेंगे या वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दैट मैप। मीन्स इस केस में ए बी सी कंसीडर होंगे या की प्लस टू थ्री वन कंसीडर होंगे या करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यानी मीन्स इनिशियली जब मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो मैप ऑब्जेक्ट कैसा है एम्प्टी, इसको क्रिएट कैसे करेंगे सब कुछ मैं लॉजिक्स के फॉर्म में सोर्स कोड के फॉर्म में बाद में प्रोवाइड करूंगा। जस्ट अभी आप कंसीडर क्या करो ऑलरेडी सिंपली मैप ऑब्जेक्ट, मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या कन्वर्टिंग गिवन स्ट्रिंग इनटू इक्विवेलेंट कैरेक्टर, सेकंड स्टेप कंस्ट्रक्टिंग मैप, मैप के अंदर स्टोर क्या की एंड वैल्यू, तो की के रिस्पेक्ट में बात करें की का टाइप क्या है इसके इसमें की के अंदर क्या स्टोर कराओगे ए बी सी, ए बी सी मीन्स कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा के अंदर ए पी आई क्लास अवेलेबल है कैरेक्टर। वैल्यू के अंदर क्या स्टोर कराएंगे ऑकरेंसेस, ऑकरेंसेस का टाइप क्या है जस्ट इंटीजर। तो फाइनली इस मैप ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में टू कॉलम्स के फॉर्म में, फर्स्ट कॉलम का टाइप क्या है कैरेक्टर टाइप,
कॉमा। सेकंड कॉलम का टाइप क्या आ गया? इंटीजर टाइप। इस टाइप के सिंटैक्स से या कॉन्सेप्ट को नेम दिया जाता है जेनेरिक्स इन जावा। क्लियर मींस जेनेरिक का भी आपके पास कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं है, कलेक्शंस का आपके पास कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं, डजंट मैटर, आपको ओनली लॉजिक्स कंसंट्रेट करना है। देन फाइनली मैप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जस्ट मैं इस स्टेप को रेज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ इस केस में आपको परफॉर्म क्या कराना है, इसे एरे के अंदर एलिमेंट्स को वन बाई वन रीड करना। तो सबसे पहले रीड क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स और जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट। जीरो इंडेक्स पर एलिमेंट क्या फंड रहा है, ए। इसे इंडेक्स वाले एलिमेंट को सर्च करेंगे इनसाइड मैप। मैप के अंदर कोई भी कैरेक्टर फॉर्म हो गिवन एरे, मीन्स या तो ये कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हुआ है नॉन एग्जिस्टिंग हो, मीन्स इनिशियली ऑब्जेक्ट कैसा है, मैप ऑब्जेक्ट कैसा है, कंप्लीटली एम्प्टी। तो ए इस केस में फर्स्ट टाइम कैसा है, एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग। टोटल पॉसिबल केस क्या है, आइदर एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग के केस में डिफरेंट ऑपरेशन होंगे और नॉन एग्जिस्टिंग के केसेस में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। जस्ट फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में कैसा है, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग। देन ये पर्टिकुलर इसके लिए आप इफ और एल्स कंडीशन अप्लाई करोगे बाद में सोर्स कोड के अंदर। नॉन एग्जिस्टिंग के केस में सिंपली परफॉर्म क्या करेंगे, गिवन कैरेक्टर ऑलरेडी मैप ऑब्जेक्ट में अगर नॉन एग्जिस्टिंग है देन इस केस में सिंपली परफॉर्म क्या कराओगे, पुट ऑपरेशन। पुट ऑपरेशन मीन्स पुट दिस कैरेक्टर ए विद ऑक्रेंस वन। इस केस में कैरेक्टर ए को पुट करा लेंगे, जो भी गिवन मीन्स जीरोथ इंडेक्स में या गिवन इंडेक्स में, मीन्स यहाँ ए में क्या है, जस्ट ए ऑफ आई। क्लियर, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में फर्स्ट टाइम क्या है ए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है बी सी, लाइक दैट। सिंपली आप डायरेक्टली स्टैटिकली ये प्रोवाइड नहीं करें, इस प्लेस पर पास क्या करो ए ऑफ आई, फर्स्ट टाइम क्या है ए। इस केस में कैसा, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, मीन्स कंडीशन फॉल्स देन नॉन एग्जिस्टिंग के केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, सिंपली पुट और इनसाइड एंट्री। तो इनसाइड क्या हो जाएगा इस केस में, कैरेक्टर ए विद ऑक्रेंस, इनिशियल ऑक्रेंस क्या होगा वन, क्योंकि ए वन टाइम अपीयर हो चुका है जस्ट। नेक्स्ट वन, सेकेंड टाइम सेम ऑपरेशन परफॉर्म किसके लिए कराएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इस केस में, सेकंड इंडेक्स में और नेक्स्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट इंडेक्स में क्या फंड होता है बी, अगेन सेम कंडीशन बी के लिए चेक करेंगे, बी एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग, बी अगेन नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग के केसेस में नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर पास क्या हो जाएगा बी, या इंडेक्स वैल्यू क्या पास होगा वन, फर्स्ट टाइम इंडेक्स क्या था जीरो, वन इंडेक्स में फंड करा बी, बी के अगेन बी इंसर्ट हो जाएगा बाई यूजिंग पुट मेथड। मैप ऑब्जेक्ट में कोई डेटा इंसर्ट कराना यूज किया जाता है पुट मेथड विद ऑक्रेंस वन। नेक्स्ट टाइम अगेन सेम किस परफॉर्म किस क्लिक कराएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है बी, बी के रिस्पेक्ट में अब सेकंड टाइम जो बी मीन्स अब बी का कौन सा ऑक्रेंस है, सेकंड ऑक्रेंस, सेकंड ऑक्रेंस में बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्टिंग है देन आपको परफॉर्म क्या कराना है, सिंपली पोर्ट अगेन ए ऑफ आई, मीन्स ए ऑफ आई करेंटली ए ऑफ आई में क्या स्टोर है बी, पुट बी अगेन विद करेंट वैल्यू प्लस वन। करेंट वैल्यू एक्सेस करने के लिए कॉल क्या कर लेंगे, मैप डॉट, ये मेथड किसके थ्रू कॉल कराएंगे बाई यूजिंग मैप ऑब्जेक्ट, मैप डॉट पुट पास क्या करोगे, सॉरी मैप डॉट गेट। पहले आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू रिट्रीव कराना होगा, अभी तो आपको फिजिकली शो हो रहा है डायग्राम में वन, बट सपोज दैट इसका ऑकरेंस हो सकता है ऑलरेडी टू या थ्री टाइम अपीयर हो चुका है। करंट वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए कॉल क्या करेंगे, गेट मेथड, मैप डॉट गेट, गेट मेथड फर्स्ट टाइम बी के लिए क्या रिटर्न करेगा, बी का करंट ऑकरेंस और करंट वैल्यू एज वन प्लस वन, इस फाइनली वन प्लस वन इज बिकम्स टू, इस केस में पास क्या हो जाएगा बी कॉमा टू। तो नेक्स्ट टाइम बी के एग्जिस्टिंग एंट्री के लिए वैल्यू वन रिप्लेस हो जाएगा विद न्यू वैल्यू एज टू, नाउ ऑकरेंस ऑफ बी बिकम्स टू। नेक्स्ट टाइम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट्स सी, सी के केस में एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, देन स्पेस और सप्लाई क्या हो जाएगा सी, सी के रिस्पेक्ट में ऑकरेंस क्या इंसर्ट हो जाएगा इसका, ऑकरेंस ऑफ सी इज वन, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंसर्ट हुआ इसलिए वैल्यू के पास होगा वन, मीन्स एग्जिस्टिंग के केस में वन से इंक्रीमेंट करा हुआ एग्जिस्टिंग वैल्यू में और नॉन एग्जिस्टिंग के केस में कंप्लीटली न्यू एंट्री इंसर्ट करना। दोनों केस में मेथड सेम यूज होगा पुट पुट, गेट गेट मेथड का वर्किंग क्या है, गिवन एंट्री है गिवन मैप एंट्री के लिए करंट वैल्यू रिट्रीव करना। नेक्स्ट वन सेम एज नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है, मीन्स इस केस में जस्ट मैंने एरे में कन्वर्ट किया था कि जिससे आपके लिए इंडेक्सेस के थ्रू स्ट्रिंग के एलिमेंट आपके लिए एक्सेस करना पॉसिबल हो रहा है, अदरवाइज सेम ऑपरेशन अगर आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में परफॉर्म कराना है देन आप इसका अल्टरनेटिव भी कॉल कर सकते थे एज एस डॉट
कैरेट मेथड, अदरवाइज आप यूज क्या करते इस केस में, कैरेट मेथड फॉर गिवन इंडेक्स आई। दोनों के मीन्स अगर आप कैरेट मेथड यूज करते हैं आपको सेपरेट एरे क्रिएट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वन फोर्थ बी, बी के केसेस में अगेन बी इज एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग चेक करने के लिए आप सिंपली इफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हो लाइक दैट, इफ मैप डॉट प्रीडिफाइंड मेथड अवेलेबल है कंटेंस की, मैं जस्ट शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ कंटेंस की, प्लस इस केस में की कमी से जो भी कैरेक्टर अपियर हुआ ए ऑफ आई सप्लाई क्या करते हैं इस केस में ए ऑफ आई, अगर ए कैरेक्टर ए ऑफ आई एज ए की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है देन इसे रिटर्न किया होगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो इस केस में रिटर्न किया होगा इसे चेक किसके लिए कर रहे हैं बी के लिए, बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग देन ये मेथड क्या रिटर्न करेगा ट्रू, ट्रू के केस में इफ का बॉडी पार्ट एग्जिस्ट करो मीन्स ये लॉजिक कंप्यूट करो इफ के अंदर, ये लॉजिक कंप्यूट करें इनसाइड एल्स ब्लॉक इन इफ के रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट टाइम बी के लिए ऑलरेडी बी एग्जिस्टिंग है कंडीशन टू देन इस केस में पास क्या हो जाएगा पुट मेथड बी कॉमा गेट, बी का ऑकरेंस क्या टू देन गेट मेथड इस केस में क्या रिटर्न करेगा टू प्लस वन बिकम्स थ्री, तो न्यू एंट्री पुट हो जाएगा बी का एग्जिस्टिंग वैल्यू और एग्जिस्टिंग एंट्री रिप्लेस हो जाएगा विद वैल्यू थ्री, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम रीड क्या होगा कैरेक्टर ए, ए के केस में एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग देन अगेन ए का ऑकरेंस रिप्लेस हो जाएगा जा टू, क्लियर। नेक्स्ट पर्टिकुलर लॉजिक्स परफॉर्म करने के जस्ट बाद देन आपको जस्ट परफॉर्म क्या कराना है इस केस में मीन्स सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स यूनिकली अवेलेबल किसके अंदर है इनसाइड दिस मैप ऑब्जेक्ट मीन्स स्ट्रिंग के अंदर जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स फाउंड हो रहे हैं मीन्स इस केस में जो भी की पार्ट है की पार्ट कैसा है यूनिक मीन्स कोई भी कैरेक्टर एक से ज्यादा बार अपीयर हुआ है क्या नहीं, तो इसका मतलब क्या है मीन्स दीज आर की इन्फॉर्मेशन देन करेस्पॉन्डिंग ऑकरेंसेस। अब इस केसेस में आप जस्ट मैंने टू क्वेश्चन कवर करा, फर्स्ट वन हाउ टू प्रिंट ऑकरेंसेस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, अगर आपको सभी कैरेक्टर के ऑकरेंसेस डिस्प्ले कराना देन सिंपली आप मैप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को प्रिंट करा लोगे या फिर मैप के अंदर जितने भी एंट्री हैं सारे के सारे एंट्री वन बाई वन एक्सेस करके डिस्प्ले करा लोगे। दूसरा अप्रोच क्या आपके पास मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हाउ टू प्रिंट डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स के केस में बात करें डुप्लीकेट्स मीन्स जिसके जिस कैरेक्टर का ऑकरेंस एक से ज्यादा बार अपीयर हुआ जैसे सी का इस केस में सी ओनली वन टाइम अपीयर हुआ सी इज नॉट अ डुप्लीकेट लेकिन ए और बी मोर देन वन टाइम अपीयर हुआ इसलिए ए बी क्या डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स के केस में आप सिंपली परफॉर्म क्या करोगे एवरी टाइम की वन बाय वन रीड करोगे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करेंगे वैल्यू वन से बड़ा है इफ वैल्यू ग्रेटर देन वन देन डिस्प्ले इट अदरवाइज लीव इट, क्लियर। इस टाइप से दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म कराना पॉसिबल, फाइनली मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डुप्लीकेट्स दोनों ही केस में जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देन फाइनली राइट डाउन करें इसके लिए कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैप के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो इस की और वैल्यू को आप किस टाइप से डिस्प्ले करोगे, क्लियर। अगर आपको कंप्लीट एंट्री डिस्प्ले कराना सारे के सारे देन सिंपली मैप ऑब्जेक्ट को प्रिंट एलाइन में पास करके डिस्प्ले कराना पॉसिबल है लेकिन मैं आपको अगर आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं वन बाय वन सेपरेटली डिस्प्ले कराएंगे, सेपरेटली डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली मैप के अंदर इस केस में की और वैल्यू के एक सिंगल पेयर को नेम दोगे एज अ एंट्री, तो करेंटली एंट्री से इस मैप में टोटल कितने एंट्री हैं दिस इज द एंट्री वन एंट्री टू एंट्री थ्री, क्लियर। टोटल कितने एंट्री हैं थ्री एंट्रीज प्लस इन थ्री एंट्रीज के कंप्लीट सेट को आप नेम दोगे एज अ एंट्री सेट मीन्स मैप के अंदर इंटरनली एज अ इनर क्लास मीन्स मैप के अंदर एज अ इनर क्लास एक सेपरेट जावा क्लास मैंने जो था कॉल्ड एज एंट्री क्लास, क्लियर। मीन्स इसके अंदर क्लास के मैंने जो एज अ एंट्री क्लास इस एंट्री क्लास के अंदर मीन्स एंट्री ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मीन्स एंट्री के केसेस में टोटल मैप जब भी मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मैप ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनली सारे के सारे इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होंगे इन द फॉर्म ऑफ एज अ एंट्री मीन्स टोटल थ्री एंट्री है ना एंट्री के टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे थ्री ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ई वन, ई वन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किसको करेगा ए कॉमा टू देन वन मोर एंट्री ऑब्जेक्ट एज ई टू रिप्रेजेंट किसको करेगा बी कॉमा थ्री वन मोर ऑब्जेक्ट एज ई थ्री मीन्स ई वन ई टू में लॉजिकली कंसिडर करना जाए एंट्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट
अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हाउ टू डिस्प्ले डजेंट मैटर, मीन्स आपको ओनली लॉजिक से कॉन्सेंट्रेट करना था, मीन्स डुप्लीकेट्स फाइंड आउट किस टाइप से करो, तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मीन्स हाउ टू डिस्प्लेइंग मैप इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्प्ले करने का लॉजिक अभी करेंटली समझ नहीं आ रहा है, आप कलेक्शन फ्रेम में पढ़ो, देन इस केस में आपके लिए इजिली समझना पॉसिबल। फिर मैं आपको इस केस में ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन मीन्स टोटल सभी एंट्रीज को कंसिडर करो सेपरेट एंट्री टाइप ऑब्जेक्ट एंट्री का, इस केस में एंट्री इज अ इनर क्लास इनसाइड मैप इंटरफेस। थर्ड एंट्री क्या रहेगा इस केस में, सी विद वैल्यू वन, देन इसको नेम दोगे जा की एंड वैल्यू। एंट्री के केस में टोटल एंट्री कितने, थ्री, मीन्स दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ एंट्रीज। कंप्लीट सेट ऑफ एंट्री मीन्स एंट्री सेट, अगर आपको सारे के सारे एंट्री एंट्री सेट्स के फॉर्म में रिक्वायर्ड है, देन सिंपली पीडीफाई मेथड कॉल करेंगे एज अ एंट्री सेट मेथड ऑफ दिस मैप इंटरफेस। इस मैप इंटरफेस का एंट्री सेट मेथड यूज करना पॉसिबल है। देन एंट्री सेट मेथड जस्ट आपको रिटर्न क्या करेगा, ऑल एंट्री सेपरेटली, ऑल एंट्री, देन एंट्री के अंदर अगेन की और वैल्यू। की किस टाइप का, कैरेक्टर मीन्स कैरेक्टर, और वैल्यू किस फॉर्म में आ जाए, इंटीजर, इसे दोनों क्या है, प्रॉपर क्लास। देन इसको मैंने नेम दिया जाए एंट्री सेट, एंट्री सेट ई एस, प्लस एंट्री क्या है, इनर क्लास। इनर क्लास कभी भी डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता है, इनर क्लास किसके अंदर, मैप के अंदर, इसलिए इसको एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग मैप डॉट एंट्री। दिस द सिंटेक्स फॉर गिवन, मीन्स एंट्री सेट के फॉर्म अगर ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, देन की और वैल्यू आपके लिए सेपरेटली एक्सेस करना पॉसिबल। मीन्स फर्स्ट केस में लॉजिक क्या प्रोवाइड किए थे, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इक्विवेलेंट कैरेक्टर, सेकंड लॉजिक स्टोरिंग ऑकरेंसेस ऑफ ऑल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैप ऑब्जेक्ट, थर्ड स्टेप क्या है, हाउ टू डिस्प्लेइंग ऑल एंट्रीज इनसाइड दिस मैप, और हाउ टू डिस्प्लेइंग ऑकरेंसेस, क्लियर। एंड ऑकरेंसेस को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले आप एंट्री सेट क्रिएट करोगे इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और इन योर की वैल्यू फॉर्मेट्स। नेक्स्ट एंट्री सेट के बाद जस्ट अगर आपको एंट्री एक्सेस करना है, जस्ट इस केस में यूज क्या करेंगे, मीन्स एंट्री सेट के केस में जस्ट फोर लूप यूज करें, इस केस में आ जाए फोर ईच लूप, मीन्स फोर, फोर के केस में जस्ट फर्स्ट वन, मीन्स फोर ईच लूप यूज करें, जस्ट इस प्लेस पर सप्लाई क्या करूंगा, मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री। वन मोर थिंग्स, या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसका, एंट्री सेट, मीन्स ये अपने आप में क्या है, एज अ सेट ऑब्जेक्ट, मीन्स ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का, सेट टाइप का। देन फाइनली इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को अगेन एनक्लोड, मीन्स ई एस अपने आप में ऑब्जेक्ट किसका, सेट टाइप का, तो इसलिए फाइनली इसको आसान किस में कराऊंगा, सेट लाइक दैट। सेट के अंदर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, थ्री ऑब्जेक्ट्स, वन टू थ्री ऑब्जेक्ट्स, मीन्स एंड मीन्स थ्री ऑब्जेक्ट किस टाइप के, एंट्री टाइप के। देन एंट्री के अंदर अगेन एंट्री किस फॉर्म में, की वैल्यूज लाइक दैट, इस टाइप से आप कॉन्सेप्ट कंसिडर करोगे। मीन्स ई एस क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ एंट्री सेट, देन सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेट टाइप, देन फाइनली आप इस फोर ईच लूप के थ्रू एलिमेंट किसके एक्सेस करना चाहते हो, सेट के, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स फोर ईच लूप का वर्किंग क्या रहेगा, रीडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज सेट, लेकिन इन एलिमेंट को एक्सेस कैसे करवाया जाए, एंट्रीज, देन इसको मैं नेम दे रहा हूँ जस्ट ई, देन फर्स्ट ई में फर्स्ट टाइम कॉपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम दिस एंट्री सेट, सेकेंड टाइम कॉपी क्या हुआ, सेकेंड एंट्री, थर्ड टाइम कॉपी क्या हुआ, थर्ड एंट्री, जब ये लूप इटरेट हुआ, देन इस पर्टिकुलर एंट्री के थ्रू इसे एंट्री का यूज किया जस्ट, और एंट्री मीन ई क्या है, ई इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एंट्री टाइप, एंट्री क्या है, चाइल्ड क्लास, लेकिन एंट्री टाइप के टोटल थ्री ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेट। देन फाइनली आप डेटा किसे रीड करा, सेट ऑब्जेक्ट से, एज अ वन बाई वन और वन बाई वन एंट्रीज, टोटल थ्री एंट्रीज, सबसे पहले ई में क्या कॉपी हुआ, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड टाइम सेकेंड एंट्रीज, थर्ड टाइम थर्ड एंट्री। अब एंट्री से आपको रीड क्या करना, की एंड करेस्पॉन्डिंग वैल्यू। की को एक्सेस करने के लिए सिंपली आप कॉल कर लोगे, इस केस में जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था, डिस्प्ले कराना, तो डिस्प्ले कराने के केस में आपको रिक्वायर्ड क्या है, किसी पर्टिकुलर की के केस में अगर वैल्यू वन है, देन उस केस में इसको सिंपली छोड़ दोगे, अगर आप वैल्यू ग्रेटर देन वन है देन डिस्प्ले कराएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेट्स। इस केस में कॉल करेंगे एफ ई, ई में फर्स्ट टाइम कॉपी कर जाएगा फर्स्ट एंट्री, मीन्स ए कॉमा टू, अगर इसका मीन्स आपको रिक्वायर्ड क्या, ऑकरेंस, ऑकरेंस मीन्स क्या, टू, ऑकरेंस मीन्स की और वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कॉल कर लें सिंपली गेट वैल्यू मेथड,
गेट वैल्यू, जैसे गेट वैल्यू करोगे इसमें कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, पर करेंटली करेंट एंट्री के अंदर की का वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर वन से बड़ा है ग्रेटर देन वन, देन सिंपली डिस्प्ले क्या कराएंगे की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और प्रिंट एफ मेथड यूज करो, इसके डिस्प्ले क्या करा लोगे ई डॉट की, की को एक्सेस करने के लिए कॉल कर लेंगे गेट की एंड ई डॉट गेट वैल्यू। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इस पर्टिकुलर केस में प्रिंट एल एन में एक से ज़्यादा वैल्यू पास करना पॉसिबल, इसलिए यूज करूंगा जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ मेथड और सिंपल स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन एल्स, एल्स में आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना सिंपली लीव इट, इसे इस लॉजिक्स के थ्रू फाइनली डुप्लीकेट्स इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा, क्लियर। देन आप जस्ट मैं इसका सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करूँ वन बाई वन, सोर्स कोड के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं बात करूँ इन दैट केस सोर्स कोड के अकॉर्डिंग जस्ट सिंपली एक जावा क्लास प्रोवाइड कराया जाए क्लास सैंपल, देन सारे के सारे लॉजिक्स में एज ए यूजर डिफाइंड मेथड्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगी, सिंपली एक मेथड प्रोवाइड कराऊ इसके अंदर स्टैटिक मेथड और पब्लिक स्टैटिक, मीन्स सारे लॉजिक में मेथड के फॉर्म में इसलिए प्रोवाइड करूँ जब भी आपको इस मेथड मीन्स लॉजिक से रिक्वायरमेंट होगी आपको बार बार लॉजिक रिपीट करने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉल क्या कर लोगे इस केस में गिवन यूजर डिफाइंड मेथड, जैसे मेथड से आपको कोई रिजल्ट रिटर्न कराने की नहीं इसलिए रिटर्न टाइप यूज करना है वर्ड, मेथड नेम क्या है प्रिंट डुप्लीकेट्स और प्रिंट डुप्लीकेट केयर कैरेक्टर्स, प्रिंट डुप्लीकेट केयर्स। आर्गुमेंट टाइप मीन्स इसमें आर्गुमेंट क्या पास करूँ पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास करेंगे, जैसे स्ट्रिंग के लिए आप डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना चाहते हो एज अ एस, तो सारे ऑपरेशन में एस के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। देन फर्स्ट स्टेप क्या था, जस्ट फर्स्ट स्टेप कन्वर्टिंग गिवन स्ट्रिंग इन टू इक्वेलेंट कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली कॉल क्या करेंगे स्ट्रिंग के लिए एस डॉट टू कैर एरे मेथड, मीन्स कैर टू कैर एरे मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर जब प्रीडिफाइंड मेथड अवेलेबल है, क्लियर। नेक्स्ट वन अगर आपको डिस्प्ले कराना चेक करना ये मेथड एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग सिंपली यूज कर लो जावा पी कमांड, जावा पी कमांड के लिए स्ट्रिंग क्लासेस के ऑल डिक्लेरेशन डिस्प्ले कराना पॉसिबल, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकेंड रिक्वायर्ड स्टेप क्या है, मिस एरे के एलिमेंट्स वन बाई वन मैप ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना, देन मैप ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको मैप टाइप का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हुआ, प्लस इस मैप ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में की वैल्यू, की का टाइप क्या है कैरेक्टर, वैल्यू का टाइप क्या है इंटीजर, जस्ट यूज करेंगे कैरेक्टर कॉमा इंटीजर। नेक्स्ट वन इसको मैंने नेम दिया जाए एम इक्वल्स टू, मैप रियल में जावा के अंदर इंटरफेस है और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल, इसलिए इसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराऊंगा हैश मैप क्लास, इस रियल में ऑब्जेक्ट किसका हुआ हैश मैप का है, हैश मैप का सुपर टाइप क्या है मैप, इसलिए मैप टाइप के रेफरेंसेस में असाइन करना पॉसिबल है। देन अगेन स्पेस पर आपको मेंशन करना होगा की टाइप एंड वैल्यू टाइप, तो की का टाइप क्या है इसके इसमें कैरेक्टर एंड वैल्यू टाइप क्या है इंटीजर, जस्ट फॉलोइंग सिंटैक्सिस। नेक्स्ट वन नेक्स्ट इक्वामी मैप ऑब्जेक्ट आपका सभी ले, लेकिन मैप ऑब्जेक्ट इनिशियली एम्प्टी होगा नॉन एम्प्टी कंप्लीटली एम्प्टी, इससे जैसे मैप ऑब्जेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं, प्लस इससे जस्ट पहले आप क्रिएट किया कर चुके हैं कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे में सारे के सारे कैरेक्टर्स कॉपी हो चुके हैं टोटल सिक्स कैरेक्टर्स हैं लाइक दैट, प्लस इनके इंडेक्सेस क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फर्स्ट केस में क्या ए डबल बी या जो भी मैंने प्रीवियस केस में एग्जाम्पल यूज किया, तो उसे एग्जाम्पल्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज अ ए नेक्स्ट वन बी अगेन समथिंग सी लाइक दैट, क्लियर। इस एग्जाम्पल्स के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा, मीन से करेंट सोर्स कोड सभी स्ट्रिंग इनपुट्स के लिए वर्क करेगा नॉट ओनली गिवन स्ट्रिंग। नेक्स्ट और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मीन इस एरे से एलिमेंट्स को वन बाई वन रीड करना, किसी भी एलिमेंट के ऑल किसी भी एरे के ऑल एलिमेंट रीड करने के लिए आपका अवेलेबल क्या है फोर ईच लूप, फोर ईच लूप के केस में सेपरेशन किससे होगा कॉलन से, कॉलन के लेफ्ट हैंड पार्ट में सप्लाई करोगे एलिमेंट टाइप, तो इस एरे में एलिमेंट टाइप किसके हैं किस टाइप के एलिमेंट्स हैं कैरेक्टर कैर सी एच। देन नेक्स्ट वन एलिमेंट रीड किससे करना चाहते हो गिवन एरे, इस एरे का रेफरेंस क्या है ए, क्लियर। नेक्स्ट वन
इस एरे से एलिमेंट्स वन बाय वन रीड होंगे, देन अब एलिमेंट आपको इंसर्ट किस में कराना है, मैप ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे पहले चेक क्या करो, एग्जिस्टेंस, इज इट एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए सिंपली कॉल क्या कर ले, मैप डॉट कंटेंस की मेथड, मैप डॉट कंटेंस की। इसे रिटर्न क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न हुआ इसका मतलब की कैसा, एग्जिस्टिंग, देन कॉल क्या कर लोगे, मैप डॉट पुट, देन की, की किस में स्टोर है, सी एच के फॉर्म में, सॉरी सी एच कॉमा, देन इसका एग्जिस्टिंग ऑकरेंस रिट्रीव करें, एग्जिस्टिंग ऑकरेंस रीड करने के लिए कॉल क्या कर ले, मैप डॉट गेट मेथड प्लस वन। जस्ट मैंने प्रीवियस लॉजिक्स पार्ट की थी, सेम लॉजिक्स सोर्स कोड के फॉर्म में राइट करो, नथिंग एल्स। पर एक कंडीशन फॉल्स है, देन जस्ट एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक के फॉर्म में परफॉर्म क्या करा हुआ, अगेन मैप डॉट पुट मीन्स करेंटली एंट्री डायरेक्टली इंसर्ट कराए विद ऑकरेंस वन, क्योंकि इसका ये फर्स्ट अपीयरेंस और फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा। क्लोज दिस लूप मीन्स फाइनली इस लूप के थ्रू इस एरे के सारे एलिमेंट मैप ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएंगे, लाइक ए बी सी, ए का ऑकरेंस क्या स्टोर हो जाएगा, टू, बी के केस में थ्री, सी के केस में वन, लाइक दैट। क्लियर। नेक्स्ट हाउ टू डिस्प्ले इट, अभी मैंने डिस्प्ले कराया क्या नहीं, डिस्प्ले कराना है सिंपली, अगेन मैं इस केस में मीन्स डिस्प्ले किस फॉर्म में करा हुए, एंट्री के फॉर्म में। तो सबसे पहले एंट्री सेट क्रिएट करेंगे, सेट एस और ई एस इक्वल्स टू, सेट के अंदर स्टोर क्या हुआ था, जस्ट प्रीवियस डायग्राम को आप एक बार कॉन्सल्ट करोगे, प्रीवियस डायग्राम में पहले मैंने क्या क्रिएट करा था, सेट ऑब्जेक्ट, देन सेट के अंदर क्रिएट क्या हुआ था, एंट्री ऑब्जेक्ट, और एंट्री क्या था, इनर क्लास ऑफ मैप, देन एंट्री को एक्सेस करने के लिए कॉल क्या करूँ, मैप डॉट एंट्री, देन इसके अंदर सप्लाई क्या करें, की टाइप वैल्यू टाइप, एंट्री के अंदर की का टाइप क्या था, कैरेक्टर, एंड वैल्यू का टाइप क्या, कैरेक्टर का सी कैसा है, कैपिटल, बिकॉज कैरेक्टर इज एन रैपर क्लास इन जब कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, इसे यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको जस्ट रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, इसको मैं नेम दे रहा हूँ एज अ क्लोजिंग, देन वन मोर क्लोजिंग, दिस द फर्स्ट क्लोजिंग एंड सेकेंड करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग, इसको मैंने नेम दिया एज अ एंट्री सेट। एंट्री सेट को रिट्रीव करने के लिए जस्ट कॉल कर लेंगे मैप डॉट एंट्री सेट मेथड, मैप इंटरफेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड है एंट्री सेट मेथड। क्लियर। देन आपके पास एंट्री सेट ऑब्जेक्ट अवेलेबल, देन सिंपली एंट्री सेट ऑब्जेक्ट के एंट्री सेट के एलिमेंट को एक्सेस करोगे, देन डिस्प्ले कराएंगे। देन अगेन मैं इस केस में यूज क्या कर रहा हूँ, फोर ईच लूप। फर्स्ट टाइम फोर ईच लूप का वर्किंग क्या था, जस्ट एरे एलिमेंट्स को मैप ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, सेकंड केस में जस्ट मैप ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को डिस्प्ले कराना, लेकिन मैप ऑब्जेक्ट अब अवेलेबल किस फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, लेकिन सेट के अंदर इनर एलिमेंट किस फॉर्म में, एंट्री, इसलिए सप्लाई क्या करेंगे, मैप डॉट एंट्री, देन एंट्री के अंदर की का टाइप क्या है, कैरेक्टर सी कैपिटल अगेन कॉमा इंटीजर, देन इसको मैंने एंट्री को नेम दिया जाए ई, प्लस डेटा रीड किससे कराना चाहते हैं, एंट्री सेट से, इसलिए सप्लाई करो ई एस। देन नेक्स्ट वन, अगेन लूप के केसेस में सप्लाई क्या करें, इफ कंडीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइंडिंग डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स एंट्री फाइंड करने के लिए सिंपली कॉल क्या करें, ई डॉट गेट की, सॉरी गेट वैल्यू, क्योंकि ऑकरेंसेस किस कॉलम में, वैल्यू वाले कॉलम में, तो गेट वैल्यू, गेट वैल्यू के केसेस में अगर इसका ऑकरेंस वन से बड़ा है, ग्रेटर देन वन, देन इसका मतलब क्या है, गिवन की रिप्रेजेंट्स डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, इस केस में डिस्प्ले क्या करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई डॉट गेट की, देन कॉन्केटिनेशन विद इक्वल ऑपरेटर जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन, देन ई डॉट गेट वैल्यू, इसे लॉजिक्स के थ्रू जस्ट डुप्लीकेट कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे, देन क्लोज दिस। फाइनली इसको क्लोज करने का क्लोजिंग किसका अपीयर होगा, दिस मेथड, देन सेम लॉजिक, अगर आपको मेन मेथड के अंदर लॉजिक टेस्ट करना है, देन प्रोवाइड क्या करोगे, मेन मेथड, मेन के अंदर सबसे पहले आप स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करोगे विद रिक्वायर्ड कंटेंट्स, क्लियर, गिवन कंटेंट्स, देन जब भी इस लॉजिक को टेस्ट करने की जरूरत होगी आप सिंपली कॉल क्या कर लोगे, प्रिंट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, प्रिंट डुप्लीकेट कैर्स, जो भी मैंने मेथड क्रिएट किया है, प्लस इस कैरेक्टर सप्लाई क्या करते हैं, स्ट्रिंग एस, इस टाइप से आपके लिए लॉजिक टेस्ट करना पॉसिबल है।